इस Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट देखने के लिए मिल गया है। तो गाइस यहाँ पे अभी तक कुछ यूजर्स को देखने के लिए मिला है और कुछ यूजर्स को देखने के लिए नहीं मिला है। तो गाइस आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिन यूजर्स को अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है उन्हें यहाँ पे अप्रूव्ड या फिर पास्ट का ऑप्शन अगर दिखता होगा तो गाइस टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आपको 48 आवर के अंदर अंदर ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जिन लोगों को ये अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो गाइस जिनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है तो ये आखिर रिजेक्ट क्यों हुआ है तो इसके बारे में खैर वीडियो में हम आगे बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे कि यार यहाँ पे जो कुछ यूजर्स है जो कि Realme UI 2.0 में अपने Realme C3 डिवाइस को अपडेट कर लिए हैं तो एक यूजर से यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि गाइज उनका जो फ्रंट कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है। तो गाइज इसके सॉल्यूशन के भी बारे में हम बात करेंगे और साथ ही में बात करने वाले हैं कि जिन यूजर्स को यहाँ पे जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया कि तो ऑब्वियसली वो यार Realme UI 2.0 के बीटा अपडेट में इंटरेस्टेड थे अपडेट करने के लिए अपने Realme C3 डिवाइस को, तो गाइज वो वेट कर रहे होंगे कि सेकेंड बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज इसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज अगर आप भी Realme C3 डिवाइस के यूजर्स अगर आप वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि Realme C3 डिवाइस के जो यहाँ पे जिन यूजर्स का फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है तो गाइस ये आखिर फॉर्म रिजेक्ट किए हुए हैं। तो गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका डिवाइस जो है वो लेटेस्ट अपडेट Realme की तरफ से जो पुश किया गया था Realme C3 डिवाइस में 8.59 का था। तो गाइस आपका डिवाइस अपडेटेड 8.59 में था या फिर नहीं था उसे यहाँ पे ज़रूर चेक कर लेना जो भी लेटेस्ट अपडेट पुश किया जाए। उसके बाद यहाँ पे Realme UI 2.0 के बीटा अपडेट के लिए जो आप फॉर्म को फिल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप यार कुछ गलती कर दिए होंगे, शायद इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो यार सब यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप Realme UI 2.0 के बीटा अपडेट के लिए फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं जब भी नेक्स्ट बैच बीटा अपडेट रिलीज हो। तो यार सबसे पहले आपको अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर लिखा हुआ रहेगा और साइड में आपको एक सेटिंग का आइकन दिया हुआ रहेगा। तो गाइज उस सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको फिर एक ट्रायल वर्जन का ऑप्शन दिख जाएगा तो यार ट्रायल वर्जन पे क्लिक कर लेना है। ट्रायल वर्जन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक पेज खुल के आएगा तो वहाँ पे गाइज लिखा हुआ रहेगा अर्ली एक्सेस Realme UI 2.0 का अपडेट के लिए। तो गाइज यहाँ पे उसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनली एक फॉर्म खुल के आएगा। तो गाइस जहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो गाइस ये दोनों ऑप्शनल हैं, ये दोनों में से कोई एक को आप फिल करके और अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस ये Realme UI 2.0 के बीटा अपडेट के लिए अप्लाई वो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक यूजर्स है जो कि नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि यार फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो गाइस यार मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपके Realme UI 2.0 के बीटा अपडेट के लिए आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आता है कि यार जिन यूजर्स को Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 का बीटा अपडेट देखने के लिए मिल गया है तो वो यहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि गाइज कि उन्हें यहां पे फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइज इसका सॉल्यूशन यार फिलहाल में तो कोई नहीं, लेकिन गाइज यहां पे जो आपको नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट ही होगा। तो उस अपडेट में आपको मे बी ये फिक्स होता हुआ नज़र आ सकता है। तो गाइज अब बात करते हैं कि आपको नेक्स्ट बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, आई मीन Realme UI 2.0 का सेकेंड बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज इसका अभी तक यार यहाँ पे कोई भी डेट निकल के नहीं सामने आया है कि सेकेंड बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज ये अपडेट का कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आता है तो गाइज आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। तो सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना और हाँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये अपडेट आपको भी देखने के लिए मिला है या फिर नहीं मिला है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया।